वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन इसके ढर्रे को कोई नहीं बदल सकता। यूपी में कानून व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती, लेकिन सीएम योगी ने अपने 5 साल में जिस तरह माफिया अपराधियों पर शिकंजा कसा है, उसका नतीजा है कि उन्हें इसे ही चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बनाया और उनके इसलिए पूरे नंबर भी मिले हैं। आज यूपी के हालात बदल गए हैं, लोग सहमे हुए हैं, कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दृढ़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना हर सीएम के लिए एक चुनौती रही है। सीएम योगी ने यूपी के ढर्रे को बदलने का संकल्प लिया। योगी सरकार ने माफिया राज को खत्म करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त फैसले लिए। पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए खुली छूट मिली। राज्य में कई एनकाउंटर हुए, माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। कभी सीएम योगी ने कहा था, लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी की दृढ़ता केवल छोटे अपराधियों को काबू करने में नहीं दिखी, उन्होंने माफिया राज को भी नेस्तनाबूद कर दिया। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने वाले विकास दुबे का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म किया। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। यूपी में बुलडोजर इस तरह से चले कि लोगों ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। आजम खान जैसे दिग्गज नेता को भी जेल जाना पड़ा। यूपी के लोगों के लिए ये सबसे हैरत की बातें थी। यूपी के इस छोर से उस छोर तक कोई इन बातों की कल्पना नहीं करता था। यूपी में बदले हुए नजारे दिखे। यूपी पुलिस ने राजधानी के शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर भी छापा मारा था। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के हिंसा और हाथरस में दंगे की साजिश से जुड़े आरोपी रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की थी। रऊफ पर यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में फंडिंग करने का आरोप है। यूपी को लेकर बड़े फैसलों से सीएम योगी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना। यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क करके भरपाई करने का अध्यादेश लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 में संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकर तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी जिक्र करते हैं कि 2018 और 2019 में राज्य में कोई दंगे नहीं हुए। यूपी में बाहुबलियों के माफियाओं का इस कदर बोलबाला रहा कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था, लेकिन योगी सरकार ने कानून के दायरे में कई बड़े माफियाओं को जेल के अंदर पहुंचाया। लोगों ने हैरत से माफियाओं की अवैध हवेलियां इमारतों पर बुलडोजर चलते हुए देखी। यूपी में अब तक कोई इसकी कल्पना नहीं करता था। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चली, फिर क्या माफिया और क्या आम आदमी। वो बात पुरानी हो गई जब कहा जाता था कि अलग अलग इलाकों में माफियाओं बाहुबलियों का राज चलता है। माफिया जहां चाहे सरकारी जमीनों पर इमारतें खड़ी कर देते हैं। सरकारें बदलती रहती थी लेकिन इन अवैध इमारतों बिल्डिंग की ओर कोई नजर नहीं उठाता था। पुलिस और प्रशासन इस पर बात भी नहीं करते थे। कई कई संगीन मुकदमों में फंसे बाहुबली माफिया बेखौफ घूमते रहते थे। तब यही कहा जाता था कि सब बदलेगा लेकिन यूपी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब उसी यूपी के गांव कस्बों में ये बातें सुनी और सुनाई जाती हैं कि योगी के बुलडोजर ने किस अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया और बुलडोजर चलते समय एक भी व्यक्ति विरोध में सामने नहीं आया। योगी का हंटर अलग तरह से चला। लखनऊ के लोगों ने रिवर फ्रंट जैसी कॉलोनी में ऐसे ही एक पूर्व सांसद की 5 मंजिल इमारत को ढहते देखा। जिस जगह ये बिल्डिंग बनी उसके आसपास कई ऐतिहासिक इमारतें थी, लिहाजा पुरातत्व के नियमों के तहत किसी भी तरह से कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। लेकिन इस सरकारी जमीन पर वो बिल्डिंग बनी। बसपा सपा की सरकारें आईं लेकिन इस बिल्डिंग की तरफ झांका तक नहीं। योगी सरकार ने इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। योगी सरकार के काम चौंकाने वाले हैं।
राज्य सरकार ने 2020-21 में माफिया बाहुबलियों से छोटे से लेकर बड़े अपराधियों से 11 अरब की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर गुंडा एक्ट और दूसरे एक्ट के तहत 22,000 से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी गैंग के 2,446 अपराधियों पर आजमगढ़ मऊ वाराणसी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इनसे 2 अरब के आसपास की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार ने हर तरह से नकेल कसी। अतीक अहमद के 79 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में कार्रवाई हुई। इसने 3 अरब की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। इसी तरह सुंदर भाटी और बलिया जेल में बंद ध्रुव कुमार के गुर्गों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। बड़े बड़े माफिया इस समय जेल के सलाखों के अंदर हैं। यूपी ने ऐसे नजारे पहले कभी नहीं देखे थे। मेरठ में एक कारों की चोरी करने वाले बड़े गैंग की धरपकड़ हुई। योगी शासन ने यूपी में छोटे अपराधियों पर नजर रखी। योगी शासन का प्रभाव था कि हर शहर में अपराध कम होने लगे। योगी के पहले शासन में कानून व्यवस्था जिस तरह पटरी पर आई, उसका ही नतीजा था कि सीएम योगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की सफलता को अपना अहम मुद्दा बनाए। सीएम योगी फिर सत्ता में आए, उनके सत्ता संभालते ही बुलडोजर फिर काम करने लगा। अपराधियों में भी खौफ पसरा हुआ है। योगी निरंतर यूपी के अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में योगी राज कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह नोएडा के सेक्टर 39 पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर सेक्टर 39 में स्थित सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना हम गुरु का सम्मान करेंगे उतनी प्रेरणा मिलेगी। अरुण सिंह ने इस मौके पर राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का कोई विरोध नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कई पार्टियां द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं। साथ ही राजस्थान में भी मुर्मू के समर्थन में वोट मिलने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व की भांति इस बार भी यह तय किया कि सभी पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आज के दिन में जाकर के गुरु का, संतों का, जो साधु हैं, त्यागी तपस्वी हैं, इन सबका सम्मान करने का काम करें और उनसे अवश्य रूप से प्रेरणा मिलती है। और यह हमारी सनातन परंपरा रही है कि जितना अधिक सम्मान हम गुरु का करेंगे श्रद्धा के साथ, उतना ही हमें प्रेरणा मिलेगी। 14 जुलाई से देश भर में कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और उसी के चलते नोएडा में सभी अलर्ट हो गए हैं और अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद डीसीपी ट्रैफिक उतरे और कावड़ यात्रा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही नोएडा को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा चिल्ला बॉर्डर पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही कुछ पॉइंट को नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे कि किस तरह की तैयारियां हैं कावड़ यात्रा को लेकर। जो तैयारियां हैं, नोएडा को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। ट्रैफिक विभाग न्यूज बुलेटिन जारी करेगा। कैमरे, गूगल मैप और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चिल्ला बॉर्डर पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और कुछ पॉइंट्स को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर रूट पर भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सेक्टर 14A शनि मंदिर के पास टेंट की व्यवस्था है। तो सावन को लेकर पूरी तैयारियां हैं क्योंकि सावन में कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं, तो उसको लेकर तैयारियां की गई हैं। कल से पूरे प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस समय हम नोएडा सेक्टर 14A शनि मंदिर के पास हैं। कांवड़ियों के लिए पूरी तरीके से पंडाल लगाया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ नोएडा ट्रैफिक विभाग खुद यहाँ पर जो है मुआयना करने पहुँचा हुआ है। पूरी तरीके से जो है किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्या रूट प्लान रहेगा, नोएडा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उन सब पर पूरी
पूरी नज़र बनाई जा रखी गई है। सेक्टर और जोन लेवल पर जो है टीमें गठित करी गई है, हर जगह जो है पुलिस विभाग की टीम दिखेगी, नोएडा ट्रैफिक विभाग के लोग दिखेंगे, कांवड़ यात्रा निकलेगी उसको लेकर के जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही साथ उनको जो है निगरानी रखी जाएगी। इस बार जो है टेक्निकी जो ड्रोन है उसकी भी सहायता ली जाएगी, उसके द्वारा जो है जो भारी संख्या में जहाँ से कांवड़ निकलेंगे उनका भी ड्रोन के द्वारा जो है नज़र रखी जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें गांव के प्रधान रामबाबू पर ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप लगाया। वीडियो में महिलाओं और लड़कियों से मारपीट की जा रही है। पूरी घटना पचोकरा के गांव नथू के बुर्ज की बताई जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरकारी स्कूल में जहरीला मिड डे मील खाने से लगभग एक दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक बच्चों का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के स्कूल में उस समय अफरातफरी मच गई जब स्कूल की रसोई में बनाए गए मिड डे मील खाने से लगभग एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। छात्र छात्राओं को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत पर स्कूल में कोहराम मच गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने सभी बच्चों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पूरे मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में बनाए जा रहे खाने की जांच के सैंपल भेज दिए। वो तो ना खाना उसमें से वो लिख दी जीप को लिए। कैसे निकली? वो रहना मेरी भाई हम तक कटी थी बीच में से और पे कीड़े चढ़ रहे थे। काई में चल रहे थे छिपकली में? खाना खा चुके थे आप? वो खाना खाया आपने? इतना तक खाया? हाँ, ये बीवीपुर गांव है, सदर ब्लॉक में। यहाँ तो उसमें सूचना मिली थी कि मिड डे मील में जो उन्होंने नमकीन चावल दिए थे बच्चों को, उसमें एक छिपकली मिली है। अब उसको छिपकली को देख के बच्चे कुछ ज़्यादा घबरा गए और यहाँ इस समय जिला अस्पताल में वार्ड में एडमिट हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, सब उन बच्चों के सबके एक एक करके हमने हालचाल लिए हैं और उन्हें हमारे फिजिशियन हैं उन्होंने देख लिया है। CMS साहब मेरे साथ हैं और सभी बच्चे ठीक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है मुझे यहाँ पे कि खाने में जो मिड डे मील है उसमें छिपकली निकली है, तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले यहाँ पे जो BO सदर थे उनको मैंने यहाँ पे भेजा है, वो आए हैं। उसके बाद मैं भी आ गया हूँ, यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ तुरंत ही। और इसमें एक जांच कमेटी बना दी गई है जिसमें प्रमोद शर्मा BO 66, ध्यानचंद BO सदर और MDM DC, जो DC के MDM है वो उनको इसमें नामित किया गया है। 3 सदस्यीय जांच समिति है और इसको 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अभी मुझको जानकारी मिली थी कि बच्चों को कुछ बच्चों ने कहा कि खाने के अंदर छिपकली उन्होंने देखी है। उन बच्चों से बातचीत हो रही है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को, क्षेत्र के SDM को, हमने वहाँ स्कूल में भेजा जाँच के लिए। मैं खुद भी वहाँ पर जा रहा हूँ और जो भी अगर इसके अंदर ऐसी कोई घटना पाई जाती है तो भोजन माता या वहाँ के अध्यापक BSU को हमने कहा उनके क्लास कार्रवाई करें। और ये भी जांच का विषय है कि उसके अंदर छिपकली थी या नहीं थी, ये भी जांच का विषय हो जाएगा। अभी उसका भोजन की हम जांच करवाएंगे और SDM को उसके लिए कहा कि भोजन को उठा करके उसका भी टेस्ट कराया जाए ताकि इसके अंदर सही प्रकाश की जाँच हो जाए। हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड के पालरा गांव में स्कूल के बच्चे अपने खाना खाए हुए बर्तन साफ करते हुए नजर आए और वहीं पर लोगों ने बच्चों के बर्तन धोते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले भी बच्चों का झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना जायसवाल ने जाँच के आदेश भी दिए थे, लेकिन एक बार फिर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। बिजनौर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी।
सहारनपुर जिला कारागार में 24 कैदियों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। और आपको बता दें, एक महिला और 23 पुरुष कैदियों में एचआईवी संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए जांच शिविर में इसका खुलासा हुआ है और मामले की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन ने जेल प्रशासन को भेजी है, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जेल प्रशासन इन कैदियों के हिस्ट्री खंगालने में लगा है ताकि एचआईवी संक्रमण का सोर्स पता चल सके। नहीं, ये अभी निकले 24 जेल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जो है 24 केसेस निकले, इसमें एक महिला है और 23 पुरुष हैं। तो ये एक एनजीओ है यूपी सेक, उन्हीं के यहाँ सुभेक्षा करके है जो हमारे ये मंडल में है, तो उसमें इन लोगों ने कैंप लगाते हैं रूटीनली है। तो उन्होंने 15 जून को एक कैंप लगाया था 15 से 18 तक 4 डेज के लिए। तो उसमें 2000 कैदी हैं जेल के अंदर लगभग, उसमें से हमारे जो है ये 24 केसेस निकले हैं पॉजिटिव। मुजफ्फरनगर के जानसठ में रामराज पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने एक 5 किलो डोडा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के देवीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया है। बुलंदशहर के खानपुर के ढकरोली में मक्का बेचने के लिए दुकान पर आए किसानों ने आरती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। किसान का कहना है कि आरती रिमोट के जरिए तराजू को कंट्रोल कर रहा था और एक बोरे मक्का में उसने 10 किलो वजन कम तोला था और किसान ने उसको ये करते हुए देख लिया, जिसके बाद किसान ने रिमोट को आरती से छीन लिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये खानपुर यूं आना पड़ा जी थाने पे कि मैं मक्का लेके आया था और उस मक्का में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ पाई गई। मेरे भाई किसानों को जो है बहुत घना लूटा इन लोगों ने। ढकरोली प्याऊ पे एक आड़त खुली है, गल्ला आड़त, छोटी सी दुकान में है। तो उनके पास मैं पहले भी मक्का लेकर आया था, उसमें 2-3 क्विंटल का फर्क आया था। इस बार मैं थोड़ा नाप करके लाया और वहाँ पर आने पर जो है मक्का चालू हो गई तोलने। तोलनी चालू होने पे उन्होंने, उनके पास रिमोट था, पहला कट्टा जो है वो ठीक तोल लिया। उसके बाद दूसरा जो कट्टा तुला है, दूसरा कट्टा 56 किलो का उतरा है। 56 किलो, मैंने, मुझे शक था, मैंने फौरन जो है कांटा रुकवा लिया। सहारनपुर के देवमल क्षेत्र में खरीदी गई जमीन पर कब्जा लेने गए लोगों पर पथराव और फायरिंग हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर लोग जमीन पर कब्जा लेने गए थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने देखते ही उन पर पथराव और फायरिंग करनी शुरू कर दी। शाहजहांपुर में एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि चोर ढाबे किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी किया करते थे। पुलिस ने इन 5 बदमाशों के पास से लगभग 100 लीटर चोरी का डीजल, कार, 5 तवंचे, कारतूस के अलावा डीजल चोरी करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश टुइया इस गैंग का सरगना है और अपने गैंग के साथियों के साथ में वो कार के जरिए ढाबे के किनारे खड़े ट्रकों से हजारों लीटर डीजल चुरा लिया करता था। हिस्ट्री शीटर सुनील उर्फ टुइया पर जिले में कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उसने अपने आप को पुलिस के समक्ष गले में पट्टी डालकर समर्पण किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना रोजा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक साहसिक मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जो पिछले दिनों ढाबों के किनारे खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी करते थे और उनको बेचते थे। एक घटना तिहार में हुई थी, इसके अलावा एक घटना रोजा में भी हुई थी। तो इससे संबंधित इनके कब्जे से करीब 100 लीटर डीजल बरामद हुआ है और एक सेंट्रो कार जो इस्तेमाल करते थे घटना करने के लिए वो बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 4 अवैध असलहे बरामद हुए हैं और 32 कारतूस और 3 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं 315 बोर के। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में गृह कलेश और उत्पीड़न के चलते एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ अपने जीवन लीला समाप्त करने यमुना पुल पर पहुंच गई है। इसी दौरान जैसे ही महिला आत्महत्या करने के लिए पुल पर रेलिंग पर चढ़ने लगी तो आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, महिला और उसके बच्चों की जान बचाई। देखिए, आज सरसावा क्षेत्र के अंतर्गत शाहजहांपुर चौकी में यमुना पुल के पास पुलिस को सूचना मिली कि इस प्रकार से एक महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ यमुना नदी में
कूद के जान देने की नीयत से पुल पे जा रही है। इस सूचना पे तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना सरसावा की पुलिस वहाँ पर पहुँची और उस महिला को उन्होंने आत्महत्या करने से रोका, और न केवल रोका, उसको वहाँ पर चौकी पर बैठा के समझाया गया, उसके परिवारजनों को बुला के उनको सुपुर्द किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में यह घटना कभी ना हो। इस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पर एक गुड वर्क किया है और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा इनमें इनको 5,000 रुपये के रिवॉर्ड की भी घोषणा की गई है। हापुड़ में एक तरफ जहां बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी है, तो वहीं रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बने अंडरपास पर पानी जमा होने से स्थानीय व्यक्ति और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बरसात के बाद बुलंदशहर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आवाजाही में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस समेत मौके से गुजर रहे कई वाहन जलमग्न हो गए, जिसके बाद वाहन चालकों ने कड़ी मशक्कत के बाद से वाहनों को तालाब से बाहर निकाला और तालाब में पूरी तरीके से ये अंडरपास तब्दील हो चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बने अंडरपास थोड़ी सी बरसात में जलमग्न हो जाता है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 फुट पानी भर जाता है, जिसके बाद कई गांव का संपर्क शहर से टूट जाता है। साथ ही किसी ग्रामीण को चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं मिल पाती है, उसके चलते ग्रामीण अपने अपने खेतों में जाने और बच्चों को स्कूल भेजने में भी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। बदायूं के कछला गंगा घाट और अटैन गंगा घाट पर पूर्णिमासी के दिन गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। मौके पर गोताखोर और पुलिस टीम की तैनाती की गई, साथ ही गंगा घाट पर झंडे लगाकर जगह को चिन्हित कर दिया गया है। वहीं रस्सी बांधकर बल्लियां भी लगाई गई हैं, तैयारियां दिख रही हैं। इस बार प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि कल बदायूं में एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने कछला गांव घाट का श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जायजा भी लिया था, और वहीं 14 तारीख से कांवड़ यात्रा को देखते हुए राजकुमार एडीजी जोन ने गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। सभी जगहों पर जहाँ पर आज जो स्नान हो रहा है, पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है और लोग लगे हुए हैं, किसी भी तरह से स्नान करने में किसी को परेशानी ना हो और तथा सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोग स्नार्थी में बताया जा रहा है कि मतलब अंदर जाके स्नान ना करें, किनारे ही स्नान करें, जिससे वो सुरक्षित रहेंगे। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है, अनाउंस भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।